Hey guys, so आज मैं जो है एक checklist बना रहा हूँ SEO checklist। और जो कि मैं अपने ब्लॉग में रखने वाला हूँ, तो मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन मेंशन कर लूँगा, आप जाना वहाँ पे checklist पढ़ना। और ये checklist जो है ये 2019 का नहीं है, आपको पता है ये 2019 ख़त्म हो रहा है, तो ये checklist जो है आप वो 2020 को फॉलो कर सकते हो, उस हिसाब से हम बना रहे हैं। और ये मैं कहीं से क्या गूगल करके या किसी से मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये हालांकि हमारी टीम और मेरी जो हमने क्लाइंट्स पे काम की है, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हमने देखी है, प्लस हमारी जो वेबसाइट्स को हमने रैंक की है, किस तरह की है, उस चीज़ को हम मतलब आगे रखने वाले हैं इस चेकलिस्ट में। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपको पहले करनी है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपको आप उसको स्विच कर सकते हो लेटर ऑन के लिए, वो प्रायोरिटाइज नहीं है, ठीक है। तो जो भी पहले आपको दिखेगा चेकलिस्ट, मतलब नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तो उस सीक्वेंस से ही आप अगर काम करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए, तो ये ज़रूर रैंक होगा। और क्या है ना कि अगर आपको वेबसाइट रैंक करना है तो आपको पहले ये पता होनी चाहिए कि आपका जो नीश है वो क्या है, ठीक है, और आपको किस तरह मतलब आपको ट्रैफिक चाहिए या आपको रैंकिंग चाहिए। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो आप अगर LSI कीवर्ड्स, मतलब जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होती है, उस पर तो आप फोकस करोगे तो वो आपको ट्रैफिक नहीं देगा, वो आपको ट्रैफिक बहुत ही कम देगा। दोस्तों ये भाई साहब आज इनका आखिरी दिन है मेरे साथ, और ये जा रहे दूसरी एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली उन्हें, तो वहाँ जा रहे वो। और हम इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए ज़रूर हेल्प करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स को लगाएंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, सही बात है कि नहीं? 100%। हाँ, तो हम चलिए हम आपको अपडेट करते हैं, इनकी फेयरवेल हम करने वाले हैं शायद आज। हम एक ट्रेडिशनल मतलब हमारा कॉफ़ी जो सेशन होता है वो हम करने वाले हैं और आपको बाद में बताते रहेंगे। चलिए अभी बनाते हैं कॉफ़ी, बज चुके हैं 4:30 बजे और आज स्पेशल कॉफ़ी बनने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि एक जन हमें छोड़ के जा रहे हैं और ये उनका आखिरी कॉफ़ी होगा यहाँ पे। हालांकि वो आएंगे बट अपने ऑफिस करने के बाद आएंगे वो, तो ऑफिशियली आज उनका लास्ट कॉफ़ी होगा एट वर्किंग आवर्स। सो लेट्स मेक सम कॉफी। ये नेस्कैफे और ये मिल्क पाउडर जो है थोड़ी सी बची हुई है, थोड़ा बहुत इसमें है, और हम इसमें थोड़ा बहुत शक्कर ऐड करेंगे। सब लोग कहते हैं कि चलो चाय पे चर्चा करते हैं, लेकिन हम ही एक हैं जो कॉफी पे खर्चा करने जा रहे हैं। काफी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं हम लोग। गाइस वेलकम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। कल ज़्यादा वीलॉग मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देख चुके हैं तो आपको पता होगा कौन से फॉर्मेलिटीज़ हो सकती है ये सारे। और उसके बाद मैंने चेकलिस्ट पे काम करना स्टार्ट किया था और मैंने टीम के साथ थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन की चेकलिस्ट बनाने के लिए। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि चेकलिस्ट जो है लाइव हो चुकी है और जो लिंक है मैंने आपके ये डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो उस लिंक को क्लिक करें और ये जो चेकलिस्ट है उसको पढ़िए, उसको फॉलो करिए। अगर आप स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं और यदि आपके पास वेबसाइट आपने बनवा ली है और आपको ये आपका मतलब डिज़ायर है कि आपकी वेबसाइट रैंक करे गूगल में और वहाँ से आपको ऑर्गेनिक इंक्वायरीज मिले, तो ये चेकलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिए और ये चेकलिस्ट को अभी से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे, तो ताकि आप 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में आपकी वेबसाइट को आप कीवर्ड्स में कीवर्ड्स पर रैंक कर सके और वहाँ से इंक्वायरी आ सके। सो गाइस आज जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करूँगा मैं, बिकॉज़ इसके बाद मुझे थोड़े बहुत मीटिंग पे जाना है और मैं ईमेल्स थोड़े अनरेड ईमेल्स है उसको भी देखना है, और उसके बाद मुझे बहुत सारे वीडियोस एडिट भी करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर आपको अगले व्लॉग में ज़रूर मैं मिलता हूँ। थैंक यू।